नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रियों को हिंदू का पवित्र त्यौहार माना गया है। इस दिन भक्त बड़े चाव से माँ दुर्गा के नौ रूपों की नौ दिनों तक पूजा करते हैं। इस साल चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल से शुरू होकर 11 अप्रैल तक मनाई जा रही है। वहीं 9 अप्रैल के दिन अष्टमी तिथि मानी जा रही है। इस दिन माँ दुर्गा के महाग्वारी स्वरूप की पूजा करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि अष्टमी पूजा विधि। अष्टमी के दिन पूजा करने के लिए सुबह सवेरे उठकर स्नान करने के पश्चात साफ वस्त्र पहनना शुभ है। इसके बाद मंदिर में गंगा जल का छिड़काव कर माता को सजाने के लिए उन पर चुनरी चढ़ाई जाती है। कुमकुम अक्षत लगाकर माँ दुर्गा को पूजा करें और आरती भी गाएं। आखिर में भोग लगाकर सभी को प्रसाद बांटें। मान्यता अनुसार अष्टमी पर पूजा करते समय हवन की सामग्री एकत्र करें। हवन में धूप, जौ, मखाना, घी, नारियल, किशमिश, बेलपत्र, अक्षत, मूंगफली और शहद आदि सम्मिलित करें। हवन कुंड के साथ ही आम की लकड़ी, लौंग, कपूर, इलायची, मिठाई और फल आदि भी शामिल करें। हवन करते समय ओम ऐम रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे नमः मंत्र का 108 बार जाप करना शुभ माना गया है। मान्यता अनुसार सभी को हवन के पश्चात भभूत लगाई जाती है, प्रसाद बांटा जाता है और अंत में कन्याओं को भोज के लिए बैठाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखने वाले दिन में ना सोएं। कन्या पूजन में 9 कन्याओं के साथ एक लंगूर को भी बैठाना जरूरी होता है। अष्टमी के दिन हवन वाली जगह को गाय के गोबर से लीपना अच्छा माना गया है। इस दिन माता तुलसी की पूजा करने का महत्व है। मान्यता अनुसार कन्या पूजन में कन्या को उपहार जरूर दें। इस दिन नीले और काले रंग के वस्त्र ना पहनें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।